करने से पहले चेतू ये भी थोड़ा रेस्ट, चेतन सर को थोड़ा रेस्ट देंगे और गणेश सर से थोड़ा काम करवाएंगे भैया। जोरदार तालियां गणेश सर के लिए। अगला एक्ट है उसमें आ रहे एक राइटर एक प्रोड्यूसर के पास फिल्म बनाने, क्या वो फिल्म बनेगी? चेतन सर कहते हाय कौन सी फिल्म, पैसा मिलेगा? वो लोग तो यही बताएंगे। सो प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश और अदा। अरे भाई पहले नचा लेने का, बाद में भड़क के नहीं आएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। अरे मैं तो सिर्फ 3 डांसर लाया था, मास्टर जी ने जोर से पैर मारा 6 हो गए। अरे कृष्णा कई साल पहले चिची भैया घर के बाहर एक पाँव मारा था तब तू हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे मेरे घर भी पाँव मारी ना, मुझे भी चाहिए 2-4। हम जिसके फैन है उसकी पहली हम बात करेंगे। एक महान लेखक, एक बहुत बड़े कहानीकार जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं। मतलब इनकी कलम जो है वो तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। और ये एक्ट भी उन्होंने लिखा है। हर्ष लिम्बाचिया के लिए जोरदार तालियां, पीछे बैठा है। आप कौन साहब? अरे चेतन भगत जी, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा लगा। चांद पे आप गए थे क्या पहली बार? सर का बोलने का भी स्टाइल मेरे को बहुत कमाल लगा। देखो क्या नहीं आप कर सकते हैं, इनको आप बोल दीजिए वो हो जाएगा, आपकी मर्जी है आप कर दीजिए। पड़ेगी सर, आप यहाँ पर आए हैं ऐसी बात नहीं है, मजाक की बात नहीं। हाँ बहुत बड़े लेखक हैं हर्ष लिम्बाचिया, पीछे जोरदार तालियां बजाओ। सर आप यहाँ पर आए ना, सीखेंगे सीखेंगे हम कुछ आपसे सर, ऐसी बात नहीं। चेतन जी के लिए एक और बार ताली बजाओ। वेल्डिंग वाले बाबा अनु जी के मेरे घर के रिश्ते, सच्ची में ये अनु जी 30 रुपया रखिए। नहीं नहीं रखना पड़ेगा। अरे देखो घर के रिलेशन अपनी जगह और इनका पार्किंग का काम है वो अपनी जगह। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, कोई टेंशन नहीं है। और एक हमारे मास्टर जी हैं, इनके पाँव से निकला हूं मैं, इन्होंने बताया अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई नंबर 1 कोरियोग्राफर सबसे पहला नाम आता है वो है फराह खान। अरे सुनो तो सही, फराह खान से भी ऊपर इनका नाम आता है गणेश आचार्य जी का। जोरदार तालियां। मास्टर जी मैं आपके घर का हूं। मासी जी कृष्णा की बात का आपको बुरा मानेंगे, सच्ची बोलना। नहीं ना तो जाओ फराह खान ये नंबर 1 तेल लगाने के, अपने को क्या लेना देना। और ये हमारी गीता जी, फराह खान की मतलब सिस्टर ही समझ लो, घर पे हमेशा रहती है। बच्चे जाके फराह मैम को बोलते भालू मम्मी आ गई, भालू मम्मी। अबे हंस कर रहे हो, भालू मतलब बंगाली में बोलते भालो, भालू है भालो। खैर चेतन सर, चेतन सर आपकी दाढ़ी यहाँ यहाँ तक क्यों है? आप ऐसा लिखते क्यों को दाढ़ी से मुंह छुपाना पड़े आपको? सर मैं एक राइटर हूँ और एक राइटर का दर्द एक राइटर ही समझ सकता है, आप तो समझ नहीं पाएंगे। खैर मैंने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है सर, बहुत अच्छी कहानी लिखी है मैंने और बहुत अच्छी लिखनी पड़ी, बहुत जरूरी था, वरना फ्यूचर में सर एक बहुत बड़ा शो होता, उसके सिंहासन पे मेरे को बिठाते और बड़े बड़े स्टार मेरी वाट लगाते, इसलिए लिखना पड़ेगा। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस जाने वाला हूँ, खैर रस्ते में कोई मिल जाए तो मेरे को अच्छा रहेगा। ओ भाई साहब ये क्या बदतमीजी चल रही है यहाँ पे? खबरदार उसको बदतमीजी कहा तो है? ये मेरी असिस्टेंट है, खैर तुम कौन हो? सर सर देखिए ना मैं राइटर हूँ सर। मैं राइटर। ये क्या बकवास है? मैं हूँ सर। क्या बकवास है? हड्डी पड़ी हुई है।
इसमें क्या हो गया? ये जब ये ऐसे घूम सकती है, मैं ऐसे क्यों नहीं घूम सकता? सर मैंने एक नॉवल लिखी है, उसके ऊपर फिल्म बना दीजिए सर। अच्छा सर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपना नुकसान क्यों कराऊं? मेरी पहली फिल्म है, मैं चेतन भगत जी के नॉवल पे फिल्म बनाऊंगा। क्योंकि कहते हैं जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक उसको अकल नहीं आती। एक मिनट रुको सर। ये सर अपनी टेबलेट खा क्यों नहीं लेते आप? इसको हाथ में लेकर सर, लेकिन मैं तो आपके ऑफिस आने वाला था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, ये सब अंदर आए, मैंने सोचा अंदर लंगर लगा होगा, मैं भी आ गया। लंगर? क्योंकि पैसे तो ये देते नहीं। इतना बड़ा प्रोड्यूसर हो के लंगर में खाना खाता ही है? ए, कमीने, तू अपने आप को समझ आएगा यार। ये तेरी पेंसिल जैसी शक्ल, तू अगर राइटर बन सकता तो क्या मैं लंगर नहीं खा सकता? एक मिनट जिसको डायरेक्टली बोलना उसको डायरेक्टली बोल। एक मिनट सर, आपको थोड़ी बोल रहे, हमारे जो पीछे राइटर है हर्ष, उसकी बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर क्यों लेते आ रहे? अरे तुम ऐसा थोड़ी होता है यार। सर मुझे ये कोई राइटर वाइटर नहीं लगता, ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। चेतन सर है असली राइटर, क्या लिखते है? चेतन सर है असली राइटर, मैं मानता हूँ। अरे बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इनका। हाँ, इनकी वो नॉवल थी ना हाफ गर्लफ्रेंड, सर उसका 20वां पेज मैंने कम से कम 25 बार पढ़ा है। हाँ, उसका एंड नहीं पढ़ पाया क्योंकि तब तक मेरी भेल खत्म हो गई थी। इसीलिए तेरे को बोला, तेरा ही पेंसिल जैसा मुंह बकवास करता है तू। सर वैसे तो यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन अनु मलिक जी बहुत अमीर है, क्योंकि मैंने इन्हें जब भी देखा है ना बैंक में ही देखा। अरे मैं जानता हूँ, बैंक में रहते हमेशा। अरे बैंक में सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसके सामने कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। ये कहते हैं किसी बहाने तो मैं कैमरे पे आऊं, लेकिन वहां भी पंगा किया। बैंक में बोलते आग लगा दूंगा। बोलता रहे, एंड में जो मैं बोलूंगा ना तेरे को इतनी कहां का आग लगने वाली तुझे पता नहीं है। सर बोल, तू बोल सर, बोल अभी, तू बोल अभी, तो छोड़ोगा नहीं सर। नहीं तू अभी छे, आपको जो बोलना है जरूर बोलना सर, प्लीज एंड में वेल्डिंग करके जरूर जाना हमारे लिए। एक मिनट तू इतने टुकड़ों में पल चुका है, इतनी बैंड फट चुकी है कि तेरे के लिए वेल्डिंग करना पता नहीं, तो लगे वेल्डिंग नहीं कर रहा तो बर्बाद हो जाएगा ये आदमी। एक मिनट सर, मैं आपको बता दूं, किताब लिखना ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको बता दूं, पहले नावल लाओ, फिर उसको पढ़ो, फिर उसको रीराइट करो, फिर उसके नीचे अपना नाम लिखो, फिर अगर उसमें कोई फिल्म ना दे तो अपना क्रेडिट मांगो। ये बड़ा मुश्किल काम है। अरे चेतन सर, आप अपने आप पे क्यों ले रहे हो? पीछे हर्ष बैठा उसकी बात कर रहे हैं यार, बार बार अपने पे लेते हैं साहब यार। वो देखो गीता माँ भी आई है। आप भी बोलिए, नहीं, इसको भी दो लाइन दिए। हाँ, देखो इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी की बात हो रही है, अगर यहाँ पे गीता जी को इग्नोर कर दिया जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी पूरी बात सुन लिया करो कमीनों। अरे गीता माँ के बारे में ज्यादा बकवास मत करना। अरे कमाल किए हैं। अरे कल ना रात को 12 बजे अकेले रोड पे नाच रही थी, सब लोग बालकनी पे आ गए, लोग बोलते रहे दारू पी के ऑटो कौन चला रहा है। और हमारे मास्टर जी के बारे में भी कुछ नहीं सुनूंगा मैं। अरे हम क्यों सुनेंगे, उनके लिए बनाया था सारा, तो तूने इनके लिए बोल दिया। अरे हमारे चीची मामा के साथ कितना काम किया है पता है? मेरे मामा जी इनके पीछे खड़े होकर कपड़े चेंज कर लेते थे। हाँ, और मास्टर जी छोटे मोटे आदमी नहीं, 10-10 लाख का मोबाइल का बिल आता है इनका। क्यों? पता है इधर से इधर फोन जाने में रोमिंग लग जाती है, इतना बड़ा मुंह। एक मिनट जाओ इसकी। सर काश मास्टर जी उठ सकते। नहीं सर, मैं सिंगर बनना चाहता था, मुझे पता है सिंगर बनना कितना, मैं पहली बार गया, मैं स्टेज पे अलाव लाया, दे रहे हो, सब उठ के चले गए, एक ही बंदा बैठा था, मैंने कहा आप मेरे संगीत के कदरदान हो, आप बैठे हो, कहता नहीं हमारी टांगे नहीं है। ऐसा हुआ मेरे साथ सर, आप मेरा सोचो। मास्टर जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो भाई। मास्टर जी बहुत रोमांटिक है, इन्होंने मुझे गले लगा लिया था।
गले लगा लिया, बोलो पेट लगा लिया था। अरे सर मैं अनु जी से पूछना चाहता हूँ, अंधेरी से आप यहाँ तक आए हो, इतनी ट्रैफिक से आपको तकलीफ तो नहीं हुई? अरे साइकिल में क्या तकलीफ होती है यार, तो पागल है। अनु जी तो आपको पता है, आपको पता है साइकिल क्यों लिया? इनको कोई पेट्रोल पंप पे खड़े नहीं होने देता, वहां पे आग लगा दूंगा, आग लगा दो, आग लगा दो। अच्छा इनके साथ शो किया था 5-star होटल में, हम लोग थे ना उधर, देखा था। अरे सर अरे। मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं जो दिल में है वो कहूंगा। वहां पे सोनू निगम भी थे, सोनू निगम ने सिर्फ 2 गाने गाए, इन्होंने कम से कम 14 पराठे खाए, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। सोनू निगम से 1-2 लोगों ने ऑटोग्राफ लिए, इनको सारी भीड़ ने घेरा हुआ, अरे खाया है तो पैसे देके जाओ, खाया तो पैसे देके जाओ, ये होता है बात। अरे ज्यादा मत बोल, मालूम कितनी गरीबी से ऊपर आए, चाय बोल दे बोल दे, चाय बेच बेच के ऊपर आए वो। हाँ अरे सब चाय वाले भी गाते हैं इनका, एक चाय गरम चाय गरम चाय गरम हो चाहिए बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, ऐसा बड़े बड़े उनको टीवी शो ऑफर होते हैं, मना कर देते ऐसे। ओए हीरो, चाय बेच बेच के एक आदमी प्रधानमंत्री भी बन गया। हाँ सर देखो देखो बेटा, असली राइटर असली होते हैं जो कॉमेडी को भी सीरियस कर देते हैं, तालियां बजाओ उनके लिए। तुम मरोगे भूखे, कॉमेडी कर लो, हंसा लो लोगों को, कमीना। अरे हमारे अन्नू जी, हाँ बड़े बड़े म्यूजिक रियलिटी शो इनको ऑफर होते, मना कर देते हैं, कहते इतने साल बाद मैं कंटेस्टेंट थोड़ी आऊंगा। प्लीज एंड में वेल्डिंग करके जरूर जाना हमारे लिए, और वो भी चश्मा उतार के सरकारी दो, चश्मा उतार के सरकारी दो, करनी तो है। करो करो सर, मैं सच्ची बताऊं, ऐसी बात नहीं है यार, एक मिनट। हाँ बोलिए सर। इसने ठीक किया, अब अन्नू जी को मैंने कवर कर दिया। ये टांगे है ये क्या है? ये टांगे नहीं है, ये टांगा है, मर्द टांगे वाला। सॉरी चेतन सर, यहाँ पर हम जो भी बोलते हैं वो राइटर लिख के देता है, आज भी राइटर ने लिख के दिया था, लेकिन वो सब हमने नहीं बोला, जो बोला दिल से बोला है। नहीं सर बोल दिया ना। हाँ सर, अब मैं बोलूंगा और आप लोग सुनेंगे। ओके जी, पहले वो भारती को भी बुलाओ। देखिए ये पता है भारती को इन्होंने क्यों बुलाया सर? नहीं, क्योंकि क्योंकि जब तक मोटर नहीं होती आदमी वेल्डिंग नहीं कर सकता। बस और देखो आंखों में आए आंसू, छुपा ले वो दर्द, अपने ऊपर जो हंसना सीखे वही होता है मर्द। क्या बात है, ये बात है नंबर वन। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये मंच है, रंग मंच की रीत निराली, माना के कभी मिले गाली कभी मिले ताली, लेकिन हमारी बैंड बजाने के लिए हमें मालूम नहीं था मिलेंगे इतने मवाली। और एक मिनट, और भारती यस बेबी, ओ सॉरी सर, तो लेफ्ट से मारती है कभी तो, सुन ले, सुनाइए ना, कभी तो लेफ्ट से कभी तो राइट से है मारती, हिंदुस्तानी को खुश रखने के लिए नाम रखा है भारती। क्या बात है, मिला ही नहीं। नहीं नहीं क्या करूं, तेरी बैंड बजाऊंगी करूं तेरी आरती। I have enjoyed coming to this show. It's a pleasure coming here and I loved every moment of it. Yeah. Thank you sir. Thank you so much.